ये है महमूद गवां का मदरसा। महमूद गवां ईरान से आया हुआ एक स्लेव या लेबरर था। जो बहमनी सुल्तानों की सेवा करता हुआ यहाँ आया था और वो कालांतर में बीदर का प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसने यहाँ पर ये जो मदरसा बनाया है इसमें 1000 स्टूडेंट्स के पढ़ने की कैपेसिटी थी। उनको दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, तर्क शास्त्र, फारसी, अरबी, गणित, ये सब विषय उनको पढ़ाए जाते थे। तो महमूद गवां ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने स्वयं के खर्चे से इस मदरसे को बनवाया था। इसमें प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, विजिटिंग स्टूडेंट्स सब यहाँ रहा करते थे। सबके लिए अलग अलग कमरे थे। ये देखिए, ये समरकंद में एक मदरसा था, एक बहुत ही प्रसिद्ध, उसकी तर्ज पर ये बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर पूरा फारसी है। आप जो साबुत में एक मीनार बची है उसमें देख सकते हैं बालकनीज, जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ से इन्होंने बालकनी प्रोजेक्ट की है। ऐसा भारत की किसी भी दूसरी इमारत में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे। महमूद गवां का हर्ष हालांकि बुरा हुआ, क्योंकि बीदर में दो तरह के सेवक हुआ करते थे, एक तो विदेशी और एक लोकल देक्कानी सेवक। जो देक्कानी ग्रुप था उन्होंने महमूद गवां को षड्यंत्र बनाकर फंसा दिया, और जो उस वक्त बहमनी सुल्तान थे उन्होंने महमूद गवां की हत्या करने की इजाज़त दे दी और महमूद गवां की हत्या कर दी गई। जब तक महमूद गवां रहा ये बहमनी सल्तनत फलती फूलती रही, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद इसका पतन शुरू हो गया, जो कालांतर में बीजापुर के शासकों ने इस पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया। और फिर मुग़ल वायसराय ने 1696 में जब बीदर के किले पर सीज डाली थी, उस वक्त उसका तोपखाना उसने इस जगह पर रखा था। लेकिन चूंकि औरंगजेब को स्मोकिंग वगैरह पसंद नहीं थी, इसलिए उसके सैनिक और सेवादार उसके सामने स्मोकिंग नहीं किया करते थे। तो एक सैनिक रहा होगा जिसने छुप के जो बारूद के भंडार थे उस तरफ स्मोकिंग करने की कोशिश की, और उसी प्रयास में बारूद में आग लग गई और पूरा आधे से ज़्यादा जो मदरसा था वो उड़ गया। तो ये बहुत खूबसूरत इमारत और शिक्षा का पूजनीय स्थल टूट गया, बिखर गया। तो आप देख सकते हैं वो वाला पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया। इसकी जो बड़ी एक मीनार बची है उस पर टाइल्स का वर्क है, अलग अलग तरह की रंगीन टाइल्स है। तो ये मध्यकाल 1472 में जो मदरसा बना था उसके अवशेष अभी बचे हुए हैं। जब भी आप आए बीदर तो इस शिक्षा के पूजा स्थल को अवश्य देखें, बहुत ही खूबसूरत है। 1000 बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उस वक्त मदरसा बनाया गया था। तो आप सोचिए मोहम्मद गवां कितना इंटेलिजेंट और एजुकेशनिस्ट रहा होगा उस वक्त। लेकिन राजा या सुल्तान अपने दरबारियों के बहकावे में आने के पश्चात उसकी हत्या करवा दी गई, और उसी पश्चाताप में जिस राजा ने हत्या करवाई थी वो एक वर्ष के अंदर ही शराब पीकर उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये है महमूद गवां का मदरसा। ये बीदर किले से 10 मिनट की वॉक पर स्थित है। ये यहाँ पर बारूद का ढेर रहा होगा, इसमें ब्लास्ट हो जाने से ये पूरा पोर्शन उड़ गया, बाकी ये बचा हुआ है। ऐसी मीनार रही होगी, ये भी पूरा कवर्ड पोर्शन रहा होगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसको, ये है मीनार।